वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे इस हेल्थ चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो शायद बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है। बहुत लोग शेयर करते हैं, बहुत लोग कमेंट करके ये बताते हैं कि हमें नींद नहीं आती है, हम सोना तो चाहते हैं, जल्दी सोना चाहते हैं, बट हम बिस्तर पर लेट जाते हैं, बट उसके 2-3 घंटे बाद हम सो पाते हैं। अगर हम फिर हमारी नींद पूरी नहीं होती है, रात में हमारी आँख बहुत बार खुल जाती है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें नींद अच्छी नहीं आती। आज हम 5 स्टेप आपके साथ ऐसा शेयर करेंगे जिससे आपको ये चीज फॉलो करेंगे, ये 5 स्टेप आप फॉलो करेंगे, नेक्स्ट डे से आप इतनी अच्छी नींद आएगी, आप जब चाहेंगे सो भी सकेंगे और जब चाहेंगे आप उठ भी सकेंगे। तो बस आपको ये 5 चीज़ फॉलो करनी है अगर आप बेस्ट नींद, अच्छी नींद चाहते हैं। क्योंकि सभी को पता है नींद अच्छी आएगी, पता लगा रात में हम 9 बजे सो रहे, ठीक है बिस्तर पे तो चले गए 9 बजे, बट हमें नींद आ रही 12 बजे, कहीं 1 बजे नींद आ रही है, फिर सुबह हमें उठना है 5-6 बजे, कहीं जाना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, 5-6 बजे उठ गए, हम 1-2 बजे सोए हैं, 5-6 बजे उठ गए, 4-5 घंटे में उठे, नींद नहीं पूरी हो रही है, फिर बॉडी क्या होगी, पूरे दिन लेजी फील करेंगे, जहाँ मन करें फिर ऐसे सोने लगेंगे, जहाँ मन करें कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, कोई भी एक्टिविटी हम नहीं कर पाएंगे, कोई भी एक्टिविटी करने का मन नहीं करेगा, कहीं हमारा मन भी नहीं करेगा। तो अगर नींद अच्छी रहेगी, नींद अच्छी आएगी, आप पूरा दिन हैप्पी फील करेंगे और पूरा दिन खुश रहेंगे, बॉडी भी एकदम एक्टिव रहेगी, वो भी खुश रहेगी, हमारा ब्रेन भी खुश रहेगा, क्योंकि नींद अच्छी आएगी तो हमारा माइंड उतना ज़्यादा शार्प होता, उतना ज़्यादा खुश रहता है। आप किसी दिन 8 घंटे तो बढ़िया से रिलैक्स होकर सोइए विदाउट एनी टेंशन, नेक्स्ट डे दीजिए उठने के बाद कितना हैप्पी फील होता, कितना अच्छा लगता है, बॉडी भी एकदम एक्टिव होती है। बट आज लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी हो चुकी है, लोग अपनी बॉडी को बिल्कुल भी आराम ही नहीं देते हैं, दिन भर बेचारी काम करती है, काम करती है, काम करती है, फिर रात में जब सोने का भी टाइम होता है उसमें भी उसे बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। हम अपनी बॉडी से इतना काम कराते हैं कि बॉडी ही थक जाती है, वो भी सोचती होगी कि ये कितना काम हमसे कराते हैं, कितनी एक्टिविटी हम दिन भर करते हैं और रात में हमें बिल्कुल भी आराम ही नहीं देते। आराम देना चाहिए बॉडी को, नींद अगर अच्छी लानी है तो आपको ये 5 चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। तो हम बात करने जा रहे हैं ये 5 चीज़ों के बारे में जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। सबसे पहला है स्लीप इन द पीच डार्क, मतलब आपको रात में जब सोना है अंधेरे में सोना। बहुत लोग होते हैं घर की जितनी भी लाइटें होती है अपने रूम की उसे ऑन कर लेते हैं फिर सोते हैं। अगर आप अंधेरे में सोएंगे बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आएगी, बट अगर आप अंधेरे में नहीं सोएंगे, उजाले में सोएंगे, नींद तो आएगी बट उतनी अच्छी नींद नहीं आएगी। अगर आप किसी के साथ अपना रूम शेयर करते हैं, अगर उसे अंधेरे में नहीं लाइट में सोना पसंद है तो आप आई मास्क लगा लीजिए, उसमें सोइए, क्योंकि हमेशा डार्क में सोना चाहिए, अंधेरे में सोना चाहिए, तो आप अंधेरे में सोएंगे नींद बहुत अच्छी। नेक्स्ट है अवॉइड टेक्नोलॉजी 1 आवर्स बिफोर स्लीप, जो कि किसी से नहीं हो सकता है, बिना मोबाइल चलाए तो कोई सो ही नहीं सकता है, बिना व्हाट्सएप, बिना इंस्टा, बिना फेसबुक, बिना यूट्यूब, इन सब का यूज़ किए हम तो सो ही नहीं सकते। जब तक हम 10 रील ना देख लें इंस्टा पे हमें नींद नहीं आएगी, जब तक हम व्हाट्सएप किसी से चैटिंग ना कर लें अपने फ्रेंड से किसी से भी हमें नींद नहीं आएगी, जब तक हम फेसबुक ना चला लें हमें नींद नहीं आएगी। चलो बिस्तर में अक्सर लोग चलो लेटते हैं 9 बजे बिस्तर में लेट के 10-11-12 बजे तक फ़ोन चला रहे, उसके बाद तब अब सोने की कोशिश करेंगे, फिर सो गए बिस्तर पर लेटे आग बंद कर दिया, ठीक है अब क्या हो रहा, आग तो बंद कर दिया बट इधर करवट कहीं इधर करवट, आग बंद करके कहीं इधर करवट कहीं इधर करवट, नींद आई 2-3 घंटे बाद। हम 9 बजे बिस्तर पर सोए, 12 बजे तक फ़ोन चलाया, नींद 2-3 घंटे बाद आई, मतलब पता लगा हमें 2 या 3 बजे नींद आई, फिर हमें 5 बजे उठना है, हम 3-4 घंटे ही तो सो पा रहे हैं, 2-3 घंटे ही तो सो रहे हैं फिर हम उठ जा रहे हैं, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स ही नहीं कर पा रही, आराम ही नहीं कर। तो सोने के 1 घंटे पहले कोई भी फ़ोन नहीं यूज़ करना है, अवॉइड द फोन को स्विच ऑफ करो या फिर साइलेंट करो, उसे रखो, किसी का भी फ़ोन आने दो,
मेरा टाइम है, मतलब अगर आप 9 बजे सोते हैं तो 8 बजे ही फ़ोन रख दीजिए, उसके बाद तब सोइए, देखिए कितनी अच्छी नींद आती है। इससे क्या होता है, फ़ोन चला के सोने से, फ़ोन हम चला रहे हैं वो लाइट भी ऑफ कर ली है हेडफोन की, तो वो फ़ोन की डायरेक्ट रेडिएशन, जो EMI रेडिएशन फ़ोन से निकल रही है रेडिएशन, हमारी आँखों पर ऐसे पड़ रही है, हमारी आँखों पर वो रेडिएशन पड़ रही है, कितना नुकसान कर रही है रेडिएशन। जब उस रेडिएशन से आज स्पैरो नहीं उस दुनिया से, जो फ़ोन तो नहीं चलाती थी ना, चिड़िया फ़ोन चलाती थी, वो तो इससे बहुत दूर रहती थी, फ़ोन तो हमारे पास रहता था, वो मर चुकी, वो नहीं जीवित है। तो फ़ोन को तो हम चिपका के सो रहे हैं, बहुत लोग होते तकिए के नीचे फ़ोन रख के सोते हैं, अपने पास फ़ोन एकदम चिपका के सोते, नहीं फ़ोन तो मेरी जान है, फ़ोन मेरे पास ही रहेगा, नहीं फ़ोन को दूर नहीं करो मेरे से। तो ऐसा करेंगे तो आपको नींद कभी नहीं अच्छी आएगी, आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे, वो रेडिएशन पता नहीं चलती बट बहुत नुकसान करती है। सोचने की बात है, जब उस रेडिएशन से चिड़िया नहीं रही, चिड़िया मर गई, वो रेडिएशन तो हमारे पास है, हम उसे दिन भर अपने साथ लेके घूम रहे हैं, चल रहे हैं, तो वो रेडिएशन हमारी बॉडी को कितना नुकसान करती है। तो EMI रेडिएशन जो मोबाइल से निकलती है वो आँखों को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो सोने के 1 घंटे पहले मोबाइल नहीं यूज़ करना, ना मोबाइल ना लैपटॉप, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करनी। अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो आप बुक्स पढ़िए, स्टोरी पढ़िए, या फिर जो है थोड़ा सा वॉक कर लीजिए जाके, तो देखिए कितनी अच्छी नींद आती है। तो अवॉइड करना है क्या, कोई भी टेक्नोलॉजी सोने के 1 घंटे। नेक्स्ट इज हॉट फूड बाथ, मतलब क्या करना है, पानी को थोड़ा सा गर्म करना है और उसमें पैर को कम से कम 15 से 20 मिनट क्या कराना है, अपने पैरों को सिर्फ और सिर्फ अपने फूड को उस पर उसके अंदर डालना है, उसके बाद 15 से 20 मिनट वैसे उसी में पड़े रहने दीजिए, तब सो जाइए, तब देखिए आपकी नींद कितनी अच्छी, बहुत अच्छी नींद आएगी। नेक्स्ट इज कीप 2 to 3 hours गैप बिटवीन डिनर एंड स्लीप, 2 से 3 घंटे की क्या होनी चाहिए, गैपिंग होनी चाहिए खाने और सोने के बीच में। अगर आप 9 बजे सो रहे हैं तो 6 बजे खाना खा लीजिए, 6 बजे नहीं हो पा रहा तो 7 बजे खा लीजिए, 3 घंटा नहीं हो पा रहा तो 2 घंटे की ही गैपिंग कर लीजिए। अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो 7 बजे खाना खा लीजिए, या फिर 7 नहीं हो पा रहा तो 8 बजे खाना खा लीजिए। तो मतलब 2 से 3 घंटे की गैपिंग होनी चाहिए। अब गैपिंग क्यों, क्वेश्चन बन रहा होगा, हम तो खा के भी सो सकते हैं, हाँ खा के भी आप सो सकते हैं, बट अगर आप खा के सोएंगे बॉडी हमारी क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, डाइजेशन स्लो हो जाएगा। जब फूड डाइजेस्ट ही नहीं हुआ रहेगा, खाना जब बॉडी के अंदर है, बॉडी का जितना भी ऑर्गन है वो तो काम कर रहा है ना, सोएगा कौन, सब तो काम कर रहे हैं, सोएगा कौन, कहाँ से हमारी बॉडी रिलैक्स फील करेगी। जब खाना है डाइजेस्ट भी कर रहा है वो, उसे रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं फील करेंगे और हमें नींद अच्छी नहीं आएगी। तो अगर आप सोने के 2 से 3 घंटे पहले पॉसिबल हो सके तो 2 से 3 घंटे पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद तब सोइए, तब देखिए कितनी अच्छी नींद आती है, क्योंकि तब तक हमारा खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा और हमें सारे ऑर्गन एकदम रिलैक्स पोजीशन पे, नींद बहुत अच्छी, तब हम सुबह सो के उठेंगे, वाह आज समय नींद बहुत अच्छी आई, आज हम एक्टिव फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और रात का खाना इतना हल्का होना चाहिए कि अगर हमारे साथ हमारा कोई पार्टनर बोले, यार दोस्त आज मेरे साथ 1 रोटी खा लो प्लीज़, मुझे अकेले नहीं खाना, हम उसके साथ 1 रोटी को शेयर करके खा सकें, ऐसा खाना हमें खाना चाहिए। इतना लाइट और खाना स्पाइसी भी नहीं होना चाहिए रात के सोने का, ऐसा खाना खाओ कि प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो जाए, उसे बहुत कम समय लगे उस खाने को डाइजेस्ट करने में। नेक्स्ट इज लास्ट है रिजॉल्व एनी फाइट बिफोर स्लीप, सोने से पहले लड़ाई नहीं करके सोना चाहिए, अगर मम्मी से लड़ाई कर ले, पापा से लड़ाई कर ले, भाई से लड़ाई, फटी 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 फाइटिंग क्यों करके गुस्से में जाके सो, मूड ऑफ, मूड हमारा ऑफ है, हमारा मूड पूरी तरीके से ऑफ है, हमारा माइंड रिलैक्स नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे माइंड में वो बातें चल रही, वो तो अपना काम कर रहा है, वो बातें तो तुम दिमाग में घुमा रहे हो, वो कहाँ से रिलैक्स फील कर पाएगा, वो जब तक रिलैक्स नहीं हो तो नींद भी तो नहीं हमें अच्छी आएगी।
तो अगर हम इन पांचों चीज को फॉलो करते हैं तो नींद बहुत अच्छी आएगी। जितनी अच्छी नींद उतना अच्छी बॉडी, उतना ज़्यादा हम दिन भर अच्छा फील करेंगे। पहला है अंधेरे में सो, दूसरा है टेक्नोलॉजी अवॉइड करना है सोने से एक घंटे पहले, हॉट फूड बात लेना है। नेक्स्ट इज गैपिंग होनी चाहिए डिनर और स्लीप के बीच में, कितने देर की, कम से कम 2 से 3 आवर्स की। नेक्स्ट इज हमें लड़ाई करके नहीं सोना है, खुशी खुशी सोना है। ये पांच चीज फॉलो करिए तब देखिए आपको नींद कितनी अच्छी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप किसने किसने इसको फॉलो की और किसको किसको नींद अच्छी है। इसमें से एक भी चीज गैप नहीं होना चाहिए, मतलब एक चीज की गैपिंग करो फिर बोलो हमें तो नींद ही नहीं अच्छी आती, नींद नहीं अच्छी आ रही, ये सब गलत है। बिल्कुल भी ये पांचों चीज फॉलो करिए तब देखिए आपको नींद कितनी अच्छी आती। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने इसे फॉलो किया है कि नहीं किया है, और वीडियो मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चलना चाहिए हम नींद अच्छी कैसे लाएं, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में। नींद अच्छी आएगी तो हम पूरे दिन हैप्पी फील करेंगे, हमारी बॉडी भी एक्टिव रहेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। तब तक के लिए हैप्पी रहिए।